हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर फिर आपके सामने आई हूँ। मुझसे कई लोगों ने यहाँ कमेंट में पूछा कि नगीनी के बारे में मैं कुछ बताऊँ कि वो कौन थी, या क्या वो फैंटास्टिक बीस्ट एंड क्राइम्स ऑफ ग्रिंडल वर्ल्ड वाली औरत ही नगीनी है या नहीं। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप सभी को नगीनी के बारे में बता सकूँ। इस मामले में पहले ही बहुत सी थ्योरीज सामने आई हैं कि नगीनी कौन थी, क्या वो एक औरत थी, क्या वो बीस्ट थी, क्या वो वोल्डेमॉर्ट की गर्लफ्रेंड थी, वो हॉरक्रक्स कैसे बनी, उसे वोल्डेमॉर्ट ने हॉरक्रक्स क्यों बनाया, ऐसी ही बहुत सी बातें। तो सबसे पहले बात कि नगीनी एक औरत थी, हाँ ये बात सच है, और ये भी कि क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड वाली वो औरत नगीनी ही है। पर क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड उस समय की कहानी है जब नगीनी हॉरक्रक्स नहीं बनी थी बल्कि एक मेलेडिक्टस थी, यानी कि एक शापित औरत। जैसे कि हमने ल्यूपिन वाले वीडियो में देखा था कि जेके रोलिंग किसी भी कैरेक्टर का नाम रखने के पहले उसके बारे में काफी रिसर्च करती हैं और फिर ही नाम रखती हैं, ऐसा ही नगीनी नाम और मेलेडिक्टस नाम में भी उन्होंने किया। मेलेडिक्टस मतलब एक ऐसी औरत जिसका खून शापित होता है, यानी जिसे ब्लड कर्स होता है, और ये कर्स हमेशा के लिए उसे किसी बीस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये शाप या कर्स बचपन से ही खून में होता है और जनरेशन बाय जनरेशन माँ से बेटी में आगे बढ़ता चला जाता है। अगर हम लैटिन में देखें तो अगर हम मेलेडिक्टस वर्ड देखें तो मेल का मतलब होता है बैड या इल, यानी कि बुरा, और डिक्टस का मतलब होता है बोला गया। तो मेलेडिक्टस का मतलब निकला बुरा बोला गया, या जिसके बारे में न बात किया जाए, या शाप, जैसा कि हम पुरानी कहानियों में पढ़ते हैं ऋषि मुनि शाप दिया करते थे। मेलेडिक्टस का एग्जैक्ट मतलब ही शाप देना होता है। हैरी पॉटर सीरीज में सिर्फ नगीनी और ड्रेको मेलफॉय की बीवी यानी स्कॉर्पियस मेलफॉय की माँ स्टोरिया को इस कर्ज का शिकार बताया गया है। अब हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि मेलेडिक्टस यानी शायद नर भेड़िए की बात हो रही है या फिर इच्छाधारी नर पशु की, पर ये बात सही नहीं है। मेलेडिक्टस नर भेड़िए से अलग होते हैं। कोई भी इंसान नर भेड़िया कब बनता है? जब उस इंसान को कोई नर भेड़िया काट लेता है और उसे दूषित कर देता है, उसके कारण ही वो इंसान नर भेड़िया बन जाता है, और सिर्फ पूर्णिमा की रात को वो अपना रूप बदलते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। जो बात ध्यान देने वाली है वह यह है कि वो जब चाहे तब अपना रूप नहीं बदल सकते, वो सिर्फ पूर्णिमा की ही रात को अपना रूप बदलते हैं और इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मेलेडिक्टस के साथ ऐसा नहीं है। अब अगर ये कंफ्यूजन है कि तो फिर वो इच्छाधारी नर पशु हुए, तो वो भी बात नहीं है। मेलेडिक्टस इच्छाधारी नर पशु भी नहीं होते जो अपनी मर्जी से किसी एक जानवर में बदलना सीख लेते हैं। मेलेडिक्टस बचपन से ही शापित होते हैं और वो जादू से ये डिसाइड नहीं करते कि उन्हें किस जानवर में बदलना है। वो शापित ही इस तरीके से होते हैं कि वो एक ही जानवर में बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ट्वेलाइट सीरीज में जैकब जो होता है वो एक मेलेडिक्टस है, क्योंकि वो बचपन से ही शापित होता है कि वो एक भेड़िया बन जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे मेलेडिक्टस बुरे ही होते हैं, जैसे स्कॉर्पियस की माँ एस्टोरिया एक अच्छी औरत थी। खैर, ये बातें तो हुई मेलेडिक्टस के बारे में। अब हम आते हैं नगीनी पे। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसा हमने बात की कि नगीनी एक औरत थी जो कि एक मेलेडिक्टस थी और रूप बदलकर सांप बन जाती थी। नगीनी का नाम हिंदी ट्रांसलेशन में भी नगीनी है और इंग्लिश वर्जन में अगर हम देखें तब भी उसका नाम नगीनी ही है। तो जेके रोलिंग ने नगीनी नाम इंडिया से ही लिया है। उनको यह आइडिया एक विष कन्या के रूप में आया था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे माइथोलॉजी में कई बार विष कन्या या नाग कन्या या नाग नागिन की बात होती है, तो हमारे कल्चर में नाग का बहुत इम्पोर्टेंस है। जेके रोलिंग ने भी नगीनी नाम हिंदी से ही लिया, और क्योंकि मेलेडिक्टस एक सांप में बदल सकती थी इसलिए उसका नाम नगीनी रखा गया। तो नगीनी जो थी वो पहले एक जादूगरों के सर्कस में काम करती थी, जिसे सर्कस आर्कनस से जाना जाता था, जिसका मालिक स्कैंडर था। वो लोग सड़क पर परेड निकालते थे और बूढ़े बच्चे सब लोग उस परेड को देखने आते थे। ये सर्कस एक फ्रीक शो जैसा ही होता था। उसमें कुछ शो मशहूर थे जिसमें बोरिस द बर्टल का हिप्नोटाइज करना, एक बच्चा जो बचपन से ही शैतान है, इंसानी छिपकली जो अपनी ही पूछ चबाती है, कैप्पा,
दो मुंह वाला बच्चा, तीन मुंह वाला कुत्ता जैसा कि फ्लफी था, वैसे ही अजीब इंसानों और जानवरों को लेकर के ये शो होते थे। बाद में 1927 में ऑब्सक्यूरियल क्रेडेंस बार्बे बोन ने भी ये सर्कस को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ उसकी मुलाकात नगीनी से हो गई थी, क्योंकि नगीनी उस शो में एक मेंबर थी। उस वक्त उसके पास ये पावर थी कि वो अपनी मर्जी से सांप में बदल सकती थी। वो उस वक्त एक अच्छी औरत थी और वो क्रेडेंस की दोस्त बन गई थी, पर क्योंकि वो मेलेडिक्टस थी इसलिए कुछ समय बाद वो परमानेंटली सांप में बदल गई थी। अब ये बात तो शायद क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड पार्ट में ही पता चल पाएगा कि वो वोल्डेमॉर्ट से कैसे मिली, और क्या वो वोल्डेमॉर्ट को 1981 के उसके पतन से पहले से जानती थी, या फिर वो बाद में अल्बानिया में ही उससे डायरेक्ट मिली। पर ये तो पक्का है कि जब वोल्डेमॉर्ट अल्बानिया में था तो उसके सर्पभाषी या पार्सल माउथ होने के कारण उससे सांप आकर बात किया करते थे, तो शायद उस वक्त ही नगीनी भी वोल्डेमॉर्ट से मिली थी, क्योंकि नगीनी परमानेंटली सांप बनने के पहले से ही सांप में अपनी इच्छा से बदल सकती थी और उसका नाम भी नगीनी था। तो इस बात के भी काफी चांसेस हैं कि वोल्डेमॉर्ट के पतन से पहले ही उसकी दोस्ती नगीनी से हो गई हो। नगीनी अब सांप थी और वोल्डेमॉर्ट के रूप में उसे एक दोस्त मिल गया था, इसलिए उसने काफी मदद की कि वोल्डेमॉर्ट को दोबारा अपना शरीर मिल सके और वो उस सिचुएशन से बाहर आ सके जिसमें वो इस वक्त अभी जी रहा था। ऐसा माना जाता है कि जब वोल्डेमॉर्ट का शरीर नष्ट हुआ था, उसकी आत्मा शरीर की तलाश में घूम रही थी। उसने कई सांपों में रहने की कोशिश की, क्योंकि सांपों में रहना ही उसकी पहली पसंद थी, क्योंकि वो उनसे बात करके अपनी बात मनवा सकता था और वो मरे हुए शरीर में नहीं रह सकता था। पर उसकी आत्मा का बोझ कोई भी जानवर या सांप नहीं उठा पाता था। उसे कभी क्विरिल तो कभी किसी और के शरीर में रहना पड़ता था, जब तक कि उसका नौकर पीटर पैटिग्रू उसके पास नहीं लौट गया। पीटर पैटिग्रू ने वोल्डेमॉर्ट को खोज लिया। वोल्डेमॉर्ट उस वक्त नगीनी के साथ ही रहता था। वो तीनों रिडल महल में रहने लगे और पीटर पैटिग्रू नगीनी का जहरीला दूध वोल्डेमॉर्ट को पिलाने लगा, ताकि उसमें इतनी शक्ति आ जाए कि वो दोबारा अपना शरीर पा सके। नगीनी ने वोल्डेमॉर्ट को जिंदा रखा और वो अकेली ऐसी जीव थी जिस पर वोल्डेमॉर्ट को भरोसा था, किसी भी प्राणभक्षी से ज्यादा। इसलिए उसने बार्था जोरकिंस को मारकर नगीनी को एक हॉर्क्रक्स बना दिया। वो नगीनी को इतना पसंद करता था कि उसे हर वक्त अपने पास रखता था, जिस कारण ही डंबलडोर को शक हुआ था कि नगीनी हॉर्क्रक्स है। 1994 की गर्मी में नगीनी, वोल्डेमॉर्ट और पीटर पैटिग्रू रिडल भवन में रहते थे और प्लानिंग और प्लॉटिंग किया करते थे कि कैसे वोल्डेमॉर्ट को अपना शरीर वापस मिल जाए। जब वोल्डेमॉर्ट मंत्रालय में भविष्यवाणी तक पहुंचना चाहता था और जब उसने आर्थर वीजली पर हमला किया था, वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा उस वक्त नगीनी के शरीर के अंदर था, पर क्योंकि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा हैरी के अंदर भी था, इसलिए हैरी ने ये सब सपने में होते देख लिया था। जब आर्थर को सेंट मंगोज ले गया गया था, उसे जहर का एंटीडोट दिया गया था, उन एंटीडोट का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि आर्थर को किसी साधारण सांप ने नहीं काटा था, उसको एक शापित मेलेडिक्ट ने काटा था और उसका चोट ठीक भी नहीं हो रहा था, और स्टिचेस लगाने से लेकर सब कुछ ट्राई किया गया था, पर फिर भी कोई भी चीज असर नहीं कर रही थी। खैर, अंत में एक एंटीडोट काम कर गया और आर्थर बच गए, और हैरी का ये सब महज एक सपने में देखना और ये सब का सही साबित होना, इसने ही डंबलडोर को ये यकीन दिला दिया कि वोल्डेमॉर्ट ने नगीनी को एक हॉर्क्रक्स बना दिया है, और तभी हैरी ये सब होता देख सकता है, क्योंकि हैरी ने ये बताया था कि उसने ये सारी चीजें सांप के अंदर से देखी थी। वो खुद ही था जो कि आर्थर पे हमला कर रहा था। 1997 में नगीनी वोल्डेमॉर्ट के साथ मेलफॉय महल में रहती थी, जहाँ चैरिटी बर्बेज जो मगलू अध्ययन पढ़ाती थी हॉगवर्ट्स में, उस दिन मीटिंग के अंत में वोल्डेमॉर्ट ने जब चैरिटी बर्बेज को मृत्युदंशम शाप से मार डाला, उसके बाद उसे नगीनी को ही खिला दिया गया था। इन सब के बाद नगीनी को बेथिल्डा के शरीर में रख दिया गया था, ताकि वो गरुड़द्वार गांव में हैरी पॉटर के आने का इंतजार करे, और जब वो वहां आए तो वह उसे मार दे। जब हैरी और हरमाइनी वहां पहुंचे तो वो चालाकी से हैरी को अपने साथ ले गई, और उसने वोल्डेमॉर्ट को सीक्रेट सिग्नल भी भेज दिया कि हैरी वहां आ गया है। क्योंकि नगीनी को गर्मी और हलचल पहचानने की शक्ति थी, उसने हैरी और हरमाइनी को अदृश्य चोगे के नीचे भी भांप लिया था। हैरी और हरमाइनी वहां से बच निकले और फिर नगीनी ने बेथिल्डा का शरीर छोड़ दिया था और वोल्डेमॉर्ट के साथ रहने लगी थी। जब 1998 में वोल्डेमॉर्ट को ये पता चला कि हैरी हॉर्क्रक्स ढूंढ कर उन्हें खत्म कर रहा है, वोल्डेमॉर्ट ने नगीनी को एक सुरक्षित जादुई पिंजरे में रख दिया, ताकि कोई उसको मार ना पाए।
उसने उसे यह भी समझाया कि यह उसकी खुद की सुरक्षा के लिए है। वो नगीनी को अब खुला नहीं छोड़ना चाहता था, पर फिर सेवरस स्नेप को मारने के लिए उसने नगीनी को बाहर निकाला और नगीनी ने स्नेप पर अपने दांत गड़ा दिए और बार बार जहर भरे दांत उसके शरीर में गड़ाती रही और आखिरी बार उसने स्नेप के गले पर अपने दांत गड़ाए और जब स्नेप गिर गया और उसके गले से खून निकलने लगा तो नगीनी ने उसे छोड़ दिया। उधर जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मार डाला या उसे लगा कि उसने हैरी को मार डाला है, उसे अब कोई खतरा नजर नहीं आया और उसने नगीनी को आजाद कर दिया और अपने कंधे के चारों तरफ लपेट लिया। जब वो प्राणभक्षियों के साथ हॉगवर्ट्स पहुंचा और सबको अपने आगे झुकने के लिए कहा, जब नेविल ने इस बात का सामना किया और मना कर दिया कि वह उसके आगे नहीं झुकेगा, तो वोल्डेमॉर्ट ने उसके सिर पर बोलती टोपी रखी और उसमें आग लगा दी। इस बात पर सबने प्राणभक्षियों पर धावा बोल दिया और नेविल को टोपी में गरुड़द्वार की तलवार महसूस हुई। उसने तलवार निकाली और जैसा कि हैरी ने मरने से पहले कहा था कि नगीनी को मार डालना, नेविल ने तलवार घुमाकर नगीनी का सिर उड़ा दिया और इस तरह नगीनी, जो कि पहले एक बहुत अच्छी औरत थी और क्रेडेंस की दोस्त हुआ करती थी, उसकी मौत हो गई। नगीनी अगर एक अच्छी औरत थी तो अब वो ऐसी कैसे हो गई, जैसा कि हमने मूवी में देखा है, हमने उसको एक विलन के रूप में देखा है। तो इस बात का बस अनुमान ही लगाया जा सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो परमानेंटली सांप में बदल गई थी, पर कुछ समय बाद क्योंकि अब वो सांप बन चुकी थी और कोई भी इंसान उसकी भाषा नहीं समझ सकता था, कोई इसके पास नहीं आना चाहता था, बहुत ही भयंकर और बड़ी सांप थी, इसलिए वो धीरे धीरे अकेली पड़ गई। और जब इंसान अकेला हो जाता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, अकेलापन किसी को भी पसंद नहीं होता है। ऐसा ही नगीनी के साथ हुआ, एक अच्छी औरत होने के बावजूद अकेलेपन से उसके नेचर में चेंजेस आना शुरू हो गए, वो धीरे धीरे चिड़चिड़ी होती गई। पर बहुत सालों बाद जा करके उसे वोल्डेमॉर्ट मिला और जब उसे एक ऐसा इंसान मिला जो कि सांपों की भाषा बोल सकता था, क्योंकि वह नागशक्ति परिवार का आखिरी वंशज था, नगीनी को अचानक से ऐसा फील होने लगा कि वो भी किसी से बात कर सकती है, किसी इंसान से बात कर सकती है, उसका भी कोई अब दोस्त बन सकता है। और इसलिए वोल्डेमॉर्ट में लाखों बुराइयां होने के बावजूद उसने वोल्डेमॉर्ट को अपना लिया और उसकी दोस्त बन गई। वोल्डेमॉर्ट भी, जो कि किसी को कभी अपना दोस्त नहीं मानता था, नगीनी ही एक ऐसी अकेली प्राणी थी जिसको वोल्डेमॉर्ट ने अपना सच्चा दोस्त माना और ये बात भी नगीनी को बहुत अच्छी लगी और इस कारण नगीनी खुशी खुशी तैयार हो गई कि वो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा को शेयर कर लेगी, उसकी हॉरक्रक्स बन जाएगी। और जब वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टुकड़ा नगीनी के अंदर आ गया, तो क्योंकि वोल्डेमॉर्ट का नेचर ऐसा था, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट अकेला रहने वाला, दूसरों पे हमला करने वाला, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान था, इसलिए नगीनी भी ऐसी बन गई, क्योंकि ये नगीनी की खुद की आत्मा नहीं थी, ये वोल्डेमॉर्ट की आत्मा थी जिसने नगीनी को ऐसा बुरा इंसान बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंत में उसको मौत झेलना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।